हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक टुडे अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम माय बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, दैट इज येलो बुक. ओके, सो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, देन लुक एट द सॉल्यूशन. राइट, नाउ आई डायरेक्टली कंटिन्यू विद सॉल्यूशन. तो आपने देख लिया कि यू आर गिवन एन इनइक्वालिटी विच होल्ड्स फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल. फाइन. अब यार इस इनइक्वालिटी को देखकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा है. तो मानते हो मैं सिर्फ इस इंटरवल में इंटरेस्टेड हूं. राइट, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू अबाउट द इनइक्वालिटी इन दिस इंटरवल. तो यहां से तुमको समझ आया कि सर आपका डिनोमिनेटर तो हो गया पॉजिटिव. क्या तुम ओरली सोच पा रहे हो कि सर ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा? अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव नंबर ग्रेटर इक्वल टू वन इज इम्पॉसिबल. तो तुमने तुरंत मेकआउट कर लिया कि सर ए पॉजिटिव तो ऑब्जर्व हो रहा है. अब मानते हो अब मैं आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, इनइक्वालिटी रिमेन सेम. तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने रीअरेंज कर लिया, है ना, कि सर लेट्स कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड. Your inequality after rearrangement becomes this. Now, what you want? You want inequality to be true for all x in interval. ठीक, and keep in mind कि सर a positive भी है, इसको मत भूलना. ठीक, अब मुझे ये inequality in given interval always true चाहिए. तो अब मेरे पास दो अच्छे आइडियाज हैं. एक कि सर लोकेशन ऑफ रूट के थॉट से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या सर ग्राफ ऑफ फंक्शन के आइडिया से कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा कैलकुलस वाला आइडिया? बिल्कुल कर सकते हैं. तो लेट अस फर्स्ट गो बाय द आइडिया ऑफ कैलकुलस, है ना. आई एम गोइंग टू डिनोट दिस टू बी एफ एक्स. तो इफ आई कॉल दिस सम एफ एक्स, तो यार एक चीज बताओ, तुम फंक्शन को इंटरवल में हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो चाहते हो. तो अगर मैं इस इंटरवल में फंक्शन की लीस्ट वैल्यू लीस्ट को अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो कर दूं, तो कि सर अगर फंक्शन की मिन वैल्यू एफ मिन अगर ये ग्रेटर इक्वल जीरो हो जाए, तो इन एंटायर इंटरवल आपकी इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी. बिल्कुल कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो, जब सबसे छोटी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो हर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी. बिल्कुल सही. तो अब मेरा सारा ध्यान कहां है कि यार इसकी कोई मेरे को मिन वैल्यू बताए कि इंटरवल में मिन वैल्यू कब आएगी, है ना. तो माइनस वन टू वन इज माई इंटरवल. अब मानते हो सर ये पैराबोला अपवर्ड है, तो इसकी मिन वैल्यू में दिमाग लगाना पड़ रहा है. तो तुम समझते हो कि सर वर्टेक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा. वर्टेक्स मानते हो इसका एक्स इक्वल टू ए बाई टू, एक्स इक्वल टू ए बाई टू इज द वर्टेक्स. फाइन. अच्छा, तुम ये भी क्लियर है कि सर वो वर्टेक्स पॉजिटिव है. तो अब मेरे दिमाग में आया कि सर वर्टेक्स जीरो से वन में लाई करेगा, वर्टेक्स मोर देन वन लाई करेगा, दिस विल डिसाइड वेयर इज द मिनिमम वैल्यू. तो वर्टेक्स अगर जीरो से वन हुआ, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू विच इज एट वर्टेक्स ओनली. या फिर वर्टेक्स इज इन द राइट ऑफ वन, मोर देन वन, है ना. तो देख पा रहे हो कि सर मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स की कहां आई, फंक्शन की कहां आई, एट वन. तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम दो केसेस में गया. इफ ए बाई टू इज बिटवीन जीरो टू वन, जीरो टू वन, इन दैट केस. अब यार अब तुम्हारा आइडिया है कि सर एफ ऑफ ए बाई टू को जीरो से बड़ा कीजिए. और कुछ समझदार लोग मुझे यह भी कह सकते हैं कि सर अगर आपने वर्टेक्स को ग्रेटर इक्वल टू जीरो किया, तो दैट इज एज गुड एज कि आप बोलो डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल टू जीरो.
थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, है ना, कि सर ये तो अगर आपने ओवरऑल, ये तो क्वाड्रेटिक वर्टेक्स पर ओवरऑल पूरे डोमेन में ऑल रियल पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड, तो अगर आपने वर्टेक्स की वैल्यू को जीरो से बड़ा कर दिया तो डी लेस देन जीरो, और अगर आपने वर्टेक्स पर वैल्यू को जीरो कर दिया तो डी बराबर जीरो। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ यार, ये तो एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरी फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है, है ना। तो आइदर डू दिस और एफ ऑफ ए बाई टू, कि सर एक्स को ए बाई टू पुट करके निकाल दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया यार, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मेरी कैलकुलेशन आई थिंक 16/3 माइनस इंफिनिटी से जीरो, यूनियन 16/3 से इंफिनिटी, लेकिन तुम जानते हो कि सर वो ऊपर ए लेस देन वन लिखा है, जीरो टू वन, तो 16/3 मेरे ख्याल से 16/3 तो टू से बड़ा नंबर है, है ना, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन 16/3 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन विद दिस, आंसर इज फाइव, ए बिलोंग टू पाई। तो आई थिंक दिस पॉसिबिलिटी डू नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ ए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस सेकेंड पॉसिबिलिटी, और सर ए बाई टू इज ग्रेटर इक्वल टू वन, वर्टेक्स वन के राइट में, तो अब एफ मिन इज एट वन, दिस इज एफ मिन, मानते हो आई वॉन्ट दैट वैल्यू टू बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सही है, तो तुम्हारी इनइक्वालिटी ट्रू हो गई ना, कि सर पूरे इंटरवल माइनस वन टू वन ओपन में आपका फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा, है ना, तो एफ वन ग्रेटर इक्वल जीरो करो भाई कैलकुलेशन, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब कैलकुलेशन पार्ट तो तुम्हारा है, कि सर इसके रूट यार बड़े गंदे आ रहे हैं ना, फाइव प्लस माइनस, मैं कैलकुलेशन पार्ट तुम कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी टू फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन बाय टू यूनियन फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन बाय टू से इंफिनिटी, लेकिन मानते हो कि सर ए तो टू से बड़ा है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, माय आंसर इज फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन बाय टू से इंफिनिटी क्लोज्ड, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, फाइन। तो यार अब लीस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू देखो ना कितना आ रहा है, रूट ट्वेंटी वन कितना होता है, समथिंग फोर पॉइंट है ना, तो नाइन पॉइंट समथिंग अपॉन टू, मतलब 4 पॉइंट समथिंग हो गया, क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी, तो आई थिंक लीस्ट वैल्यू इज 5, तो माय आंसर टू द प्रॉब्लम इज 5। ओके, तो 12th क्लास एस्पिरेंट्स गो एंड चेक, है ना, 12th क्लास एस्पिरेंट्स फॉर 2025 जेई, यू आर सपोज टू चेक माय कोर्स लॉन्च्ड फॉर 2025, ओके, चलो, ओके, बाय, जय हिंद।